गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 पे है और एक्सरसाइज है आपका 17.1। कह रहा है कि यदि बिंदु ए ए कॉमा बी तथा बी सी कॉमा डी मूल बिंदु पर एक समकोण बनाते हो तो साबित करें कि ए सी प्लस बी डी बराबर जीरो। चलिए चलिए इसको साबित करके देखा जाए। तो इसको आप दो तरीके से, आप निर्देशांक अक्ष भी ले सकते हैं और सिंपली फिगर भी बना के बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं। चलिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया और इधर आपका y डैश हो गया। ठीक है, एक बिंदु यहाँ a ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है a कॉमा b। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं b जिसका निर्देशांक है c कॉमा d। इसको कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, तो a और b ये जो दो बिंदु देख रहे हैं वो मूल बिंदु के साथ कितना कोण बना रहे हैं, तो समकोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं। चलिए इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया ओ जिसका निर्देशांक है 0.0। चलिए तो लिखेंगे कि मान बिंदु बिंदु ए ए कॉमा बी तथा बी सी कॉमा डी मूल बिंदु ओ 0.0 पर समकोण बनाते हैं। तो देखिए ना, ये एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया ना। चलिए तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर, यहाँ दूरी सूत्र लगाना होगा ना, या फिर ऐसे भी देख रहे हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा, ओ बी का स्क्वायर यानी यहाँ इसको हो जाएगा ये आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए ए बी कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से ना। चलिए स्क्वायर है तो यहाँ भी रूट नहीं लगाएंगे, हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर। इधर तो ऐसे ही रहेगा, हमें बराबर के उधर फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए यहाँ लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर, इसका भी बी स्क्वायर माइनस टू बी डी और प्लस में डी स्क्वायर। तो ए बी सी डी स्क्वायर ये सब चारों कट जाएंगे ना। चलिए अब इन दोनों को माइनस में तो इधर भेज देते हैं, 2ac और प्लस में 2bd बराबर में 0। 2 कॉमन करके उधर भाग में भेज देंगे, प्रूफ हो जाएगा। चलिए 2 कॉमन कर दीजिएगा। चलिए अब इसको भाग में भेज देंगे, 0 में भागोगे तो 0 ही ना हो जाएगा, यानी ac प्लस bd बराबर 0, ये आपका साबित हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 18 नंबर। यदि बिंदु a a कॉमा बी तथा बी ए कॉमा माइनस बी को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु पर थीटा कोण बनाता है तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए निर्देशांक अक्ष बना लेंगे। ठीक है, चलिए निर्देशांक अक्ष बना लेंगे, यानी ये आपका होता है एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और नीचे हो जाएगा आपका वाई डैश। चलिए मान लीजिए ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है ए कॉमा बी, तो देखिए ये इसका प्रतिबिंब ही है क्योंकि ये वाई वाला माइनस में है बस, और बाकी सब तो वही है। चलिए तो यहाँ पे वो होगा बिंदु बी, ठीक है, ए कॉमा माइनस बी, समझ गए। अच्छा यहाँ कह रहा ना कि ये दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कर रही है, मूल बिंदु पर थीटा कोण बना रही है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है यानी यहाँ पे बनाएगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी ना होगी, तो ए बी जो है यहाँ पे मूल बिंदु पर कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ये पूरा कोण कितना बन रहा है, तो ये कोण जो है यहाँ पे दर्शा देते हैं, अलग कलर ले लिए हैं, थीटा कोण। ठीक है, ये एक टोटल कोण जो बन रहा है थीटा कोण बन रहा है, समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु ए और बी, ये ए और बी जो है को मिलाने वाली रेखा यानी कि ये ए बी जो है, ये बी जो रेखा है ये मूल बिंदु पर कितना कोण बनाती है, थीटा। अच्छा ये मूल बिंदु को लिख देते हैं ओ जिसका निर्देशांक है 0.0। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सोचिए, ये जो है इस पर लंब होता है, चलिए इस बिंदु को सी मान लेते हैं। अच्छा ये जो ए और बी इसका निर्देशांक दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी ओ सी की लंबाई ए हो जाएगी और ये ए सी की लंबाई यहाँ पे
बी हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये लंबाई ए हो जाएगी और ये लंबाई माइनस का बी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा यहाँ आगे समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है अल्फा मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा आपका बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ माइनस में बीटा लेना होगा। क्यों माइनस में लेना होगा? क्योंकि ये निगेटिव एंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलिए अच्छा एक और चीज, यहाँ से ये बिंदु ए जो है इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? तो इसी के ना वर्ग का रूट होगा। चलिए यानी रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका निकलेगा तो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा? चलिए चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे कि माना माना बिंदु बिंदु ए ए कॉमा बी तथा बी ए कॉमा माइनस बी को मिलाने वाली रेखा ए बी मूल बिंदु ओ 0.0 पर थीटा कोण बनाता है जहां थीटा बराबर अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। समझ में? अब चलिए यहां से इसको लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि थीटा का मान अल्फा माइनस बीटा है ना। चलिए अब देखिए फिगर में थोड़ा सा, यहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये ना हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर में कॉस अल्फा के मान की बात करें तो उसका हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ओ ए बटा में ओ सी बटा में ओ ए। ठीक है, अच्छा कॉस बीटा की बात करें तो इसका हो जाएगा ओ सी बटा में ओ बी हो जाएगा। प्लस साइन अल्फा की बात करें तो इसका हो जाएगा पी बटा एच, यानी कि ए सी बटा में ओ ए। अच्छा साइन बीटा की बात करें तो साइन बीटा का तो यहाँ हो जाएगा ना बी सी बटा में ओ बी, यही ना होगा? चलिए यहाँ सबका मान रख दिया जाए। चलिए तो ओ सी देखिए, ओ सी कितना है तो ए और बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओ सी बाई ओ बी। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये रहा ए और बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए यही ना होगा? ठीक, अच्छा प्लस ए सी बाई ओ ए, तो ए सी ये रहा बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बी सी बटा ओ बी, तो ये माइनस बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दो दो बार है ना गुना करेगा तो रूट हट जाएगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही ना आपको प्रूफ करना था। चलिए प्रूफ हो गया, चलते अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही सिंपल है, टेंथ में भी आप लोग बना चुके हैं। साबित करें कि बिंदु 4.3 6.4 5.6 तथा 3.5 एक वर्ग के शीर्ष है। यहाँ मान लेंगे कि माना ए 4.3 बी 6.4 सी 5.6 तथा डी 3.5 चार बिंदुए हैं। ठीक है, अभी बिंदु मानेंगे बस। चलिए वर्ग के शीर्ष नहीं है, हम लोग चार बिंदु हैं ये मानेंगे। अब क्या करना होगा, आप यहाँ लिखिएगा दूरी सूत्र और सबके लिए दूरी सूत्र लगा देंगे, एक बार ए बी एक बार बी सी एक बार सी डी एक बार ए डी और उसके बाद दोनों विकर्ण के लिए भी लगा देंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, है ना, आपको पता है वर्ग के लिए कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, तो आपका वर्ग हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, तो पहले ए भी निकालिए, रूट अंडर 6 माइनस 4 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 प्लस 1 रूट 5। चलिए फिर बी सी निकालिए, तो बी सी बराबर यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा 6 माइनस 5 लिखिए या 5 माइनस 6 रखिए, एक ही बात पड़ता है, प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ घटेगा तो 1 और यहाँ घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ भी वही आएगा 1 प्लस 4 रूट 5। चलिए फिर सी डी निकालिए, सी डी निकालेंगे, यहाँ पे दिया है ना 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा रूट। चलिए उसके बाद सी डी के बाद क्या बच गया, ए डी, ए डी ये रहा और ये रहा। चलिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, चलिए यहाँ घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 5, चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब विकर्ण चेक कर लीजिए, यानी ए सी और बी डी भी निकालेंगे, तो ए सी निकालते हैं, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए ये रहा सी ये रहा, हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 रूट 10। अच्छा अब सी डी ए सी निकाल गया, बी डी निकाल देते ना, बी और डी, चलिए बी डी के बीच की दूरी निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, चलिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 रूट 10। यहाँ देख रहे हैं चारों भुजाएं बराबर होंगे, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी, और विकर्ण भी बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए ए बी सी डी वर्ग है, वर्ग है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपके पास ऊपर बिंदु दिए हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे करके कि 4.3, 4.3, 6.4, 5.6 तथा 3.5 वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक हैं, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक हैं, ये भी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए बी सी डी एक आयत है तथा पी इसके तल में कोई बिंदु है, तो साबित कीजिए कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग निर्देशांक अक्ष ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, इसी के जरिए हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, और नीचे दर्शा देते हैं वाई डैश। चलिए चलिए इसी पे हम लोग आयत खींच लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं इसी पे, ठीक है, ये आपका आयत हो गया, है ना। और ये ए मान लेते हैं मूल बिंदु को, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, तो मूल बिंदु को माने, यानी ये जीरो जीरो। अच्छा यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना ए बी, इसकी लंबाई ए मान लेते हैं और इसकी लंबाई बी मान लेते हैं, तो ये बी है तो ये बी हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए, यहाँ से यहाँ ए माने तो बी का निर्देशांक 1.0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और सी का निर्देशांक 1.b, एक्स का ए और वाई का बी। अच्छा इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.b, ठीक है। तो ये चीज हमें लिखना होगा यहाँ पे। चलिए माना माना ए ए मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तथा तथा ए बी, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी क्रमशः क्रमशः एक्स तथा वाई अक्ष अक्ष पर ए तथा बी इकाई लंबाई के हैं, लंबाई के हैं, ठीक है। चलिए ए और बी इकाई लंबाई के हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या करना है, तो P इसके तल में कोई बिंदु है, तो P कहीं पे एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x.y है, P का निर्देशांक क्या है x.y, तो लिखना होगा कि माना माना P P
आयत ए बी सी डी में स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु है जिसका निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, चलिए आपको इसमें दिखाना क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, तो पी ए ये रहा ना, ठीक है, अच्छा पी सी ये रहेगा, किसके बराबर होगा, पी ए पी सी के स्क्वायर, तो वो बराबर होगा पी बी और पी डी स्क्वायर के वर्गों के, चलिए यही ना होगा, चलिए आपको दिखाना है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर बी पी पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं, पहले हम लोग लेंगे एल एच एस, एल एच एस में क्या है, पी ए स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर, यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे तो स्क्वायर है तो रूट नहीं ना लगेगा, चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ये ना हो जाएगा, चलिए प्लस पी सी के लिए क्या होगा, तो पी सी के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा ना आपको, क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए टू बी वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए, ये आ गया। अब उसी तरह से आर एच एस लीजिए, आर एच एस में क्या है, पी बी स्क्वायर और प्लस में पी डी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर यहाँ से ना हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका जीरो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो जीरो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो वाई का स्क्वायर ही होगा, यहाँ भी हो देखिए अब करेंगे सॉल्व तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए दो बार एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, दो बार वाई स्क्वायर है तो टू वाई स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू बी वाई और यहाँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो आ गया ना एल एच एस बराबर आर स्क्वायर, इसलिए पी ए स्क्वायर बराबर पी सी, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ना कि नियामक ज्यामिति, ठीक है नियामक ज्यामिति का प्रयोग करना है, साबित करें कि आयत के विकर्णों के वर्गों का योगफल उसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए तो इसको भी निर्देशांक अक्ष पे ही दर्शाना है ना, चलिए तो ये आप एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है चलिए ये हो गया एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और नीचे हो जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है हम लोग को यहीं पे एक आयत ले लेना है, ठीक है जैसे कि अभी पिछले में लिए थे ना उसी तरह से, ठीक है ये आपका ए बी सी और ये डी, ये एक आयत है और ए को क्या मान लिया है, मूल बिंदु मान लिया है, तो इसका निर्देशांक जीरो जीरो, ए बी की लंबाई ए और ए डी की लंबाई बी, यानी यहाँ का निर्देशांक ए कॉमा जीरो, यहाँ का निर्देशांक ए कॉमा बी हो जाएगा, आपको पता ही है अभी बताए थे, चलिए यहाँ क्या होगा जीरो कॉमा बी, ठीक है अच्छा विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, तो विकर्ण हो जाएंगे ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी, तो यहाँ लिखना होगा ना, चलिए माना माना ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिसका जिसका शीर्ष जिसका शीर्ष शीर्ष ए जीरो कॉमा जीरो, जिसका निर्देशांक है मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, ठीक है अच्छा और उसके बाद क्या लिखे हैं कि ए बी एक्स अक्ष पे है और ए डी जो है वाई एक्स पे है, तो यहाँ लिख देंगे तथा तथा ए बी और ए डी, ए बी और ए डी क्रमशः क्रमशः एक्स तथा
वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर है। और क्या हम माने हैं कि माना, मान लिए कि ए बी की लंबाई कितनी है, ए है, ए इकाई है, और ए डी की लंबाई कितनी है, बी इकाई है, और सबके निर्देशांक लिख लिए। अब करना क्या होगा, यहाँ आपको क्या दिखाना है कि आयत के विकर्णों के वर्गों का योगफल। चलिए, तो विकर्णों के वर्गों का योगफल यानी आपको यहाँ साबित करना है, तो साबित करना है क्या साबित करना है, विकर्णों के वर्गों का योगफल यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के, भुजाओं के वर्गों के योगफल, ए सी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलिए, तो पहले एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में है ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। चलिए, ए सी स्क्वायर ही ना हो जाएगा, तो इसका तो होगा सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बी डी देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना आएगा। चलिए, यानी कि हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब लीजिए आर एच एस, आर एच एस में क्या होगा, तो आर एच एस में होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ए बी तो ए बी की लंबाई पहले से ही ए है, तो उसको डायरेक्ट ए स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ना, या इसकी लंबाई आप सिंपल ही देख रहे हैं बी है, जिसको बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। और जब ये ए है तो ये भी आपका ए होगा, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे ये लंबाई ए है तो यहाँ पे बी सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर बी सी की लंबाई। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा ए डी का, तो ए डी का बी लंबाई है तो इसका बी का स्क्वायर, तो आएंगे है ना यहाँ पे टू ए स्क्वायर और टू बी स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि यहाँ से साबित हो गया। अतः आप कह सकते हैं कि आयत के विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल उनके उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला पे। देखिए, दो तरह से विभाजन सूत्र के बारे में आपको 10वां क्लास में ही बताए थे, फिर से बता रहे हैं। आंतरिक विभाजन सूत्र यानी कि फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है, और एक बाह्य विभाजन भी होता है, तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा, पहले आंतरिक विभाजन के बारे में समझ लेते हैं और इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक निर्देशांक अक्ष बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको साबित करेंगे। ठीक है, यह हो गया एक्स, यह हो गया एक्स डैश, यह हो गया वाई, और यहाँ ले लेते हैं वाई डैश। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, बिंदु ए, जिसका निर्देशांक है आपके पास x1, y1, और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक है आपके पास x2, y2। चलिए, ये दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे एक बिंदु है R, एक बिंदु क्या है R है, ठीक है, और यह बिंदु R जो है ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में, यानी कि यह भाग m है और यह भाग n है। ठीक है, और इस R का निर्देशांक जो है हम लोग x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि माना बिंदु ए x1, y1 तथा बी x2, y2 को मिलाने वाली रेखा ए बी को बिंदु आर एम अनुपात एन में अंतः विभाजित करता है।
अंतर्विभाजक मतलब अंदर ही उसको विभाजित करता है। बाह्य विभाजन है उसके बारे में बाद में जाना जाएगा, ठीक है। इतना लिख दिए, अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ थोड़ी आपको रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी कि यहाँ से इस पे लंब गिराएंगे, यहाँ से इस पे लंब गिराएंगे, ठीक है, और यहाँ से इस पे लंब गिराएंगे, ठीक, यहाँ से इस पे लंब गिरा देंगे और यहाँ से इस पे लंब गिरा देंगे। तो ये हमारी रचनाएं हैं, इसलिए ये सभी डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे हमेशा। ये सबको डॉटेड कर दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम लोग ये अलग से लिए हैं, रचना लिए हैं, ठीक। चलिए हो गया, ये सब क्या गिराए थे, तो हम लोग लंब लिए थे ना। चलिए यहाँ लंब लिए हैं, यहाँ भी लंब, यहाँ भी लंब है, यहाँ भी लंब है और ये यहाँ भी लंब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो लंब खींचे इनका कुछ नाम दे देते तो बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे देते हैं आर, आर तो पहले ही है, चलिए कोई और नाम दे लेते हैं। यहाँ पर दे देते हैं हम लोग पी, पी और क्यू, और यहाँ पे देते हैं एस, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं और यहाँ पे देते हैं डी। चलिए यहाँ लिखेंगे कि रचना, पहले रचना लिख देते हैं, रचना ए बी, ए बी आर क्यू, आर क्यू तथा तथा बी एस, बी एस तीनों तीनों एक्स अक्ष पर लंब है, एक्स अक्ष पर लंब है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ए पी आर क्यू और बी एस तीनों एक्स अक्ष पर लंब है। और क्या किए हैं उसके बाद, तो हम लोग ए सी लंब खींचे हैं आर क्यू पर और आर डी लंब खींचे हैं हम लोग किस पे, बी एस पर, ये इस पे लंब है और ये वाला इस पे लंब है, ठीक। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझिए यहाँ का निर्देशांक x1 y1 है, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, ये एक्स वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल होगा x और ये टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक y, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ का जैसा x2 y2 है, तो यहाँ से टोटल यहाँ तक है x2 और ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक आपका कितना y2, क्लियर है। अब देखिए ये जब आप इस पे लंब खींचे हैं, ये भी लंब खींचे हैं, तो ये देखिए ये दोनों तो आपस में समांतर होंगे, और क्या क्या हो सकता है, ये एक आयत का रूप लेगा, ये भी एक आयत का रूप लेगा, यानी कि अगर यह y1 है, y1 है तो यह भी y1 हो जाएगा, यह y है तो यह भी y हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ लिख देंगे कि ये लंब होने के कारण, एक दूसरे पर लंब है ना, तो लंब होने के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी क्यू सी तथा तथा आर क्यू एस डी आयत है, ठीक है। चलिए ए पी क्यू सी और आर क्यू एस डी आयत है, इसीलिए ये बराबर हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो कि सी क्यू बराबर हो जाएगा ए पी बराबर में वाई वन, अच्छा उसी तरह से हो जाएगा डी एस बराबर में आर क्यू बराबर में वाई, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे अगर हम आपसे कहें, अच्छा अगर हम आपसे कहें कि आप ए सी का मान बताइए, इस ए सी का मान बताइए, तो ए सी जो होगा, ए सी जबकि ये आयत है, तो ए सी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। अच्छा पी क्यू की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इस मूल बिंदु को ओ ले लें, तो यहाँ से ओ क्यू में से ओ पी घटाएंगे तो हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अच्छा समझ गए, उसी तरह से आपसे यहाँ पे आर डी का मान पूछे, आर डी तो आर डी बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू एस हो जाएगा ना, आर डी बराबर क्यू एस, क्योंकि आयत है ना। चलिए अब क्यू एस की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ओ एस माइनस ओ क्यू, ओ एस माइनस में ओ क्यू हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू माइनस में एक्स, क्लियर है। चलिए अच्छा उसी तरह से यहाँ से आर सी का मान पूछे, आर सी ये वाला ये लंब, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि सर क्यू आर क्यू में से यहाँ पे सी क्यू को घटा देंगे, आर क्यू माइनस में क्या हो जाएगा आपका सी क्यू, चलिए सी क्यू आर क्यू पूरा और माइनस में सी क्यू, यानी कि हो जाएगा आपका वाई माइनस में वाई वन, ठीक है। अच्छा एक और आप ले लीजिए यहाँ पे, अब क्या बच गया ये वाला बी डी,
बी डी, तो बी डी के लिए क्या लिखिएगा, तब लिखिएगा बी एस माइनस में डी एस, बी एस मतलब पूरा और ए डी एस मतलब इतना, यानी कि हो जाएगा आपका वाई टू माइनस में वाई, वाई टू माइनस में वाई। चलिए अब देखिए आगे हमारा काम क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो समरूप करने के लिए आपको दो को कम से कम एंगल बराबर दिखाना होगा। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ए सी आर तथा त्रिभुज आर डी बी में, देखिए ध्यान से ए सी आर और आर डी बी में। चलिए दो चीज बराबर देते हैं, एक तो ये 90-90 हो जाएगा, एंगल ए सी आर बराबर एंगल आर डी बी प्रत्येक 90। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर, कैसे, तो ये आपका ये दोनों देखिए ये और ये समांतर होंगे ना, और ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पे संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर ए सी बराबर एंगल बी आर डी, संगत कोण के युग्म दिख रहा है ना ये, इसलिए बराबर हो रहा है। चलिए तो यहाँ से त्रिभुज ए सी आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर डी बी के, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता, समरूपता से, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि दो समरूप, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि किस तरह से, तो ले लीजिए AC, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी के बट्टा में आर डी, ठीक है, संगत भुजा तो आपको पता ही है, आर सी लेते हैं, आर सी इसमें क्या क्या लेंगे, बी डी, चलिए बराबर में यहाँ पे ए आर लेते हैं, ए आर तो वहां लेंगे आर बी। अच्छा ए आर और आर बी का मान आपको पहले से पता है, ये एम है और ये वाला भाग एन है, ठीक है, दोनों का अनुपात दिया था ना। चलिए आगे हम लोग सबके मान को लेते हैं, तो ए सी, ए सी का मान तो ऊपर है, ए सी का मान देखिए ना यहाँ पे निकाले तो है, ए सी बराबर एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन और बट्टा में आर डी, तो आर डी का मान ये रहा एक्स टू माइनस में एक्स बराबर में आर सी, आर सी का मान ये रहा वाई माइनस में वाई वन बट्टा में बी डी, बी डी का मान है यहाँ वाई टू माइनस में वाई, ठीक है, और बराबर में एम बट्टा एन। ये दोनों का अनुपात दिया है ना यहाँ पे, ए आर और आर बी का ही ना अनुपात दे रहा है, ये एम बट्टा एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग दो खंड मार देंगे, एक्स वाले को अलग और एक बार वाई वाले को अलग, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स बराबर में एम बट्टा एन और वाई माइनस वाई वन, सॉरी वाई माइनस वाई वन बट्टा वाई टू माइनस वाई बराबर में एम बटा एन। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा इसमें जाके गुना करेगा ना, तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन बराबर इसमें से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एम एक्स टू माइनस एम एक्स, तो एम एक्स को इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं, हो जाएगा एम एक्स प्लस में एन एक्स बराबर में इसको धो देंगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। चलिए यहाँ से x कॉमन कर लिए तो m प्लस एन इंटू एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में m प्लस, उसी तरह से यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना करिए तो एन वाई माइनस एन वाई वन बराबर एम वाई टू माइनस एम वाई, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो हो जाएगा एम वाई प्लस एन वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, यहाँ से कॉमन करिए वाई एम प्लस एन इंटू वाई बराबर में एम वाई टू प्लस एन वाई वन, यानी कि वाई बराबर आ जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन, यानी कि आपको एक्स वाई ही ना निकालना था, इसलिए जो बिंदु आर एक्स वाई था उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एक्स टू
प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, और वाई के लिए क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। समझ गए, तो ये आपका प्रूफ हो गया। और इसी को विभाजन सूत्र कहते हैं, ये आंतरिक विभाजन होता है, बाह्य विभाजन वाला भी प्रूफ करा सकते हैं आपको, या फिर ऐसे ओरली भी बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो बाह्य विभाजन में आपको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि सेकेंड वाला फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बिंदु बिंदु पी एक्स वन वाई वन तथा क्यू एक्स टू वाई टू को मिलाने वाली रेखा रेखा ए बी को बिंदु आर एक्स कॉमा वाई एम अनुपात एन में बाह्य विभाजित विभाजित करता है, बाह्य विभाजन करता है, बाह्य विभाजन करता है। तो बाह्य विभाजन का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक है एक्स वन वाई वन, ठीक है। और एक बिंदु दूसरा जो है यहाँ पे है आपका Q, इसका निर्देशांक है एक्स टू वाई टू, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन होगी, पी क्यू होगी। और जो बिंदु आर है, अगर ये बाह्य विभाजन करेगा ना, तो ये बाहर के तरफ की बात कर रहा है, इसको थोड़ा डॉटेड कर दे रहा है, ठीक है। ये रियल में नहीं है, ये काल्पनिक हम लोग लिए हैं, ये आर बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। और बाह्य विभाजन का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ये एम की बात कर रहा है, और ये आपका जो है एन का बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला में बस माइनस का चिन्ह आ जाता है, यानी कि हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा में एम माइनस एन, और यहाँ हो जाएगा एम वाई टू माइनस में एन वाई वन और बटा में एम माइनस एन, ठीक है। बाकी प्रूफ करने के जैसे ऊपर करा है ना वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका एम है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका एन है। तो बाह्य विभाजन में इस तरह से बिंदु होता है, और अंतः विभाजन में यह बिंदु अंदर था, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और ज़्यादा लिंक के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।